Hello everyone. So after our last video, many students requested us that can we solve some questions which are related to the recursion. Yani ki kya hum recursion se related kuch aur examples kara sakte hain, jo programming ke through examples ho, jisse jo recursion, jo time complexity of recursion hai, wo topic thoda sa aur clear ho. To is video mein I'm going to take some examples which are based on recursion. There is a time complexity to find examples to find the time complexity of recursive functions. जैसे कि हमारे पास ये पहला example है. इसके अलावा जो यहाँ पर examples written हैं, इसके अलावा भी I am going to take more examples to find the time complexity of recursive functions. तो जो पहला case है हमारे पास, यहाँ पर we have a function which is integer n. If n equal to 1 then return. यानी कि टर्मिनेशन कंडीशन ये है कि अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है तो आप उसको कांस्टेंट टाइम लेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए, अदरवाइज आप इस फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेंगे और फिर आप एक रिकर्सिव कॉल करेंगे. अब ध्यान दो, ये जो फॉर लूप है, इस फॉर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, फॉर लूप कितनी बार रन होगा. ये जो फॉर लूप है यहाँ से यहाँ तक, ये रन होगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम्स और ये हमारे पास एक रिकर्सिव कॉल है. तो ये फंक्शन क्या बोल रहा है कि टाइम टेकन to perform this function on n items, it will be the time taken to perform this function on n items will be equal to order of n square to perform this for loop, order of n square to perform this for loop plus time taken to perform this recursive call. So this recursive call mein hum n ke jagah par next time n minus 3 pass kar rahe hain. So it is time taken to perform this recursive call for t of n minus 3. और ये जो पहली स्टेटमेंट है ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, यानी कि n की वैल्यू अगर 1 है, इट कैन बी परफॉर्म्ड इन कांस्टेंट टाइम, सो इट कैन बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर ऑफ 1 एज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. नाउ मोस्ट ऑफ दिस क्वेश्चंस आर जस्ट सॉल्वड इफ यू कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ रिकर्सिव रिलेशन. यानी कि अगर आप इस तरह की एक रिकरेंस रिलेशन वाली इक्वेशन आप बना सकते हैं तो ज़्यादातर ये जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ इस एक रिकरेंस रिलेशन वाली इक्वेशन को बनाने से ही सॉल्व हो जाते हैं. आपकी 90% जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इसी एक रेकरेंस रिलेशन की वजह से सॉल्व हो जाती है. देखिए, रेकरेंस रिलेशन की जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करना काफ़ी इजी है. अगर आप इस पूरे कॉन्सेप्ट में, पूरे एल्गोरिथम के सब्जेक्ट में जो मैंने पिछले 4 वीडियोस बनाए, अगर आप उसमें भी, उसको पढ़ने के बाद भी अगर आप रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, देन डोंट वरी, क्योंकि हमारे पास एक और जो रेकरेंस रिलेशन का जो कंप्लीट टॉपिक है, ये हमारे पास एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी टॉपिक आएगा जिसमें हमारे पास हम कैलकुलेट करेंगे होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन, लीनियर नॉन होमोजीनियस रेकरेंस रिलेशन. इस तरीके से हमारे पास जो रेकरेंस रिलेशन का एक कंप्लीट टॉपिक है उसको मैथमेटिक्स के अंदर भी हम दोबारा से पढ़ने वाले हैं. अगर आपको इन वीडियोस में रेकरेंस रिलेशन समझ में आता है दैट इज़ वेल एंड गुड. अगर आपको सिर्फ इतना यहाँ पर सिर्फ इतना समझना है कि आप इस तरह के रेकरेंस रिलेशन की इक्वेशन को कैसे बना सकते हैं, अगर आप इतना समझ गए कि इक्वेशन को कैसे बनाएंगे, तो उसके बाद तो डायरेक्टली या तो आप फॉर्मूलाज पुट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मास्टर्स थ्योरम है, आप मास्टर्स थ्योरम फॉर डिवाइड एंड कॉन्कर पुट कर सकते हैं या फिर मास्टर्स थ्योरम फॉर सब्ट्रैक्ट एंड कॉन्कर पुट कर सकते हैं. अगर आपको मास्टर्स थ्योरम भी याद नहीं होती तब भी कोई परेशानी नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तब आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में एक रेकरेंस रिलेशन वाला टॉपिक आएगा, आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसके बाद भी आप रेकरेंस रिलेशन की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी है, दैट इज टी एन इज इक्वल टू टी एन माइनस 3 प्लस एन स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली सब्ट्रैक्ट एंड कॉन्कर जो टेक्निक है वो यहाँ पर इसमें यूज हो जाएगी. अब यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूँगा विद द हेल्प ऑफ बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको जो सॉल्यूशंस एक्सप्लेन करूँगा बाय द हेल्प ऑफ मास्टर्स थ्योरम, यानी कि जो भी बेटर तरीके से जहाँ पर आपको समझ में आ जाए. जैसे कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा बाय डूइंग द बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड. अभी जो पहला केस है इसमें आप डायरेक्टली आप सब्ट्रैक्शन डिवाइड, दैट इज सब्ट्रैक्ट एंड कॉन्कर जो हमारे पास मास्टर्स थ्योरम है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं और उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बता सकते हैं. तो मुझे सब्ट्रैक्ट एंड कॉन्कर जो टेक्निक है वो मुझे याद नहीं है, सो आई हैव रिटन दैट इन पेज. तो सब्ट्रैक्ट एंड कॉन्कर क्या बोलता है, इट सेज टी एन, इफ टी एन इज इक्वल टू सी एफ एन इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि कॉन्स्टेंट टाइम जो कि यहाँ पर वैलिड हो रहा है हमारे पास, अदरवाइज इट इज ए इंटू टी ऑफ एन माइनस बी प्लस एफ एन इफ
n is greater than 1. हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैंने आपको ये जो सब्ट्रैक्ट एंड काउंटर की इक्वेशन है ये मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ. मैं बस उसको दोबारा से यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि कौन सी वैल्यू किस चीज़ की और हमने कहाँ पर यहाँ पर पुट करनी है. और यहाँ पर जो फंक्शन है fn, इट शुड बी इन n रेज टू पावर k. अब a, b की जो हमारे पास कंडीशंस गिवन है दैट c, a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 एंड k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अगर ऐसे कंडीशन है तो जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का वो सॉल्यूशन क्या होगा, दैट विल बी tn इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n रेज टू पावर k इफ a इज लेस देन इक्वल टू 1. It is order of n raised to power k plus 1 if a is equal to 1, and it is order of n raised to power k into a raised to power n upon b if a is greater than 1. ये आपको ऑलरेडी अगर पता है, देखो ये जो इक्वेशन है ये हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं. आई होप आपको याद होगी कि पिछले वीडियो में हम इस इक्वेशन को कर चुके हैं. अब हमें बस इसकी वैल्यूज़ को इसे कंपेयर करना है. अब देखो ये जो हमारे पास फंक्शन था, इस फंक्शन के अंदर हमारे पास a क्या है, a इज इक्वल टू 1. देखो यहाँ पर t के साथ a नहीं है, तो यहाँ पर सिंपल क्या है, a इज इक्वल टू 1. तो a इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि हमारे पास डायरेक्टली जो सेकंड केस है, ये वाला सेकंड केस, ये यहाँ पर अप्लाई हो रहा है. तो सेकंड केस क्या बोलता है, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n रेज्ड टू पावर k प्लस 1. और यहाँ पर k क्या है, अगर आप चेक करोगे k क्या है यहाँ पर n स्क्वायर, ठीक है. सो n स्क्वायर में k क्या है हमारे पास 2. तो सिंपल आप कह सकते हो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n रेज टू पावर 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n क्यूब. तो आप सिंपल यहाँ से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकाल सकते हैं. तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी हमारे पास, ऑर्डर ऑफ n क्यूब. आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था. कोई भी मुश्किल, कोई परेशानी, आपत्ति विपत्ति मुझे लगता नहीं है आपको इस क्वेश्चन में आएगी. अब देखिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो इस तरीके से है. जो क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास, टी एन इज इक्वल टू 1 इफ एन इक्वल टू 1, और इट इज टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इफ एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. ये आपके पास जो इक्वेशन है वो यहाँ पर ये इस तरीके से इक्वेशन आपके पास गिवन है. अब आप इस इक्वेशन को चेक कीजिए, हमें क्या गिवन है, टी एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस एन इंटू एन माइनस 1. अब यहाँ पर ये जो मास्टर्स थ्योरम है हमारे पास, इस मास्टर्स थ्योरम में क्या बोलता है कि जो फंक्शन है वो हमारे पास एन रेज्ड पावर के की फॉर्म में होना चाहिए. यानी कि यहाँ पर जो है एन रेज्ड पावर के की फॉर्म में होना चाहिए, जो यहाँ पर ऑब्वियसली वैलिड है, ऑब्वियसली एप्लीकेबल है, क्योंकि जो फंक्शन गिवन है वो हमारे पास एन स्क्वायर माइनस एन है, जिसको हम ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही बोल सकते हैं. देखो इस पूरे केस में इसको अगर आप रिजॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, एन स्क्वायर माइनस एन, जिसको हम ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही बोल सकते हैं. तो इस पूरे फंक्शन को हम ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं, टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर. तो डायरेक्टली इस फंक्शन में आप इस सॉल्यूशन को इस मास्टर्स थ्योरम सब्ट्रैक्ट एंड कॉन्कर की जो मास्टर्स थ्योरम है आप इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. लेकिन मैं फिर भी इसको बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है यहाँ पर. तो अगर आप इस की वैल्यू टी ऑफ एन माइनस 1 की वैल्यू निकालेंगे तो टी ऑफ एन माइनस 1 की वैल्यू क्या निकलेगी, जहाँ पर भी n था वहाँ पर n माइनस 1 पुट कर दीजिए. तो टी ऑफ एन माइनस 1 इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, टी ऑफ एन माइनस 1 माइनस 1 प्लस n की जगह n माइनस 1 यहाँ पर आएगा n माइनस 1 माइनस 1 प्लस ये वाली जो सॉल्यूशन है, ये वाली जो इक्वेशन है ऐसी कैसी, n ऑफ n माइनस 1. तो एक कितना निकलेगा हमारे पास, निकलेगा टी ऑफ n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 into n minus 2 plus n into n minus 1. Further, अब हमें t of n minus 2 की वैल्यू निकालनी. तो t of n minus 2 की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारे पास, निकलेगी t of n minus 3 plus हमारे पास आएगा n minus 2 into n minus 3 plus n minus 1 into n minus 2 plus n into n minus 1. अब इस तरीके से पूरी इक्वेशन को आप एक्सटेंड करते जाइए. तो जो इक्वेशन है, अगर हम लिखेंगे टी ऑफ एन माइनस के, दैट कैन बी रिटन एज टी ऑफ एन माइनस के प्लस 1 इंटू एन माइनस के प्लस टी ऑफ एन माइनस के प्लस 2
into n minus k minus plus 1 and so on, इस तरीके से. तो अब इसमें अगर आप चेक करेंगे, let k is equal to n minus 1, क्योंकि तब तक एक्सटेंड होता जाएगा और हमें पता है कि अगर t of 1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1. तो अगर k n minus 1 है तो इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं हम लोग, t of n minus of n plus 1 plus ये बन जाएगा हमारे पास n minus of n plus 2 into n minus of n plus 1 plus n minus of, ये हमारे पास बनेगा n plus 1 plus 2 into n minus of n plus 1 plus 1 and so on. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो निकलेगा हमारे पास t of 1 plus n से n cancelled, so it is 2 into n से n cancelled 1 plus यहाँ पर भी n से n cancelled, तो आएगा आपके पास 3 into 2 plus next term आएगी 4 into 3 plus next term आएगी 5 into 4 plus up to so on n into n minus 1. तो इस पूरी टर्म को, ये जो पूरी टर्म हमारे पास यहाँ पर निकली है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज समीशन I इज इक्वल टू 1 to n. ये जो पूरी इक्वेशन है हम इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1, समीशन I इज इक्वल टू 2 n, जिसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1, ठीक है. या फिर इसको आप n की टर्म्स में ना भी लिखें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सॉरी, इसको कह सकते हैं समीशन I इज इक्वल टू 2 to n, ये हो जाएगा हमारे पास I इंटू I माइनस 1. तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आएगा समीशन I इज इक्वल टू 2 to n, ये बनेगा I स्क्वायर माइनस I इज इक्वल टू 2 to n इंटू I. और एक टर्म जो हमारे पास प्लस वन है वो यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा रहेगा. अब ये क्या बना हमारे पास, द सम ऑफ द टर्म्स, ये जो हमारे पास बना है इस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टर्म्स, ये क्या क्या स्क्वायर बनेंगे हमारे पास, दिस कैन बी 2 स्क्वायर, इस 1 को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू सो ऑन. तो अब इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, डायरेक्ट फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6. इसको हम ऑलरेडी 10th 11th क्लास में हम इस तरह के सीक्वेंसेस को पढ़ चुके हैं. और नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स. तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास वो क्या बनेगा हमारे पास, माइनस ऑफ बनेगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2. तो आपको, आपके पास ये दो फॉर्मूलाज हैं, तो इससे हमारे पास, इस फॉर्मूले को आप सॉल्व कर लीजिए तो इक्वेशन बनेंगे हमारे पास n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 माइनस दूसरी टर्म बनेगी हमारे पास n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इस तरीके से. अब इन दोनों टर्म्स को अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपके पास आएगा जो हाईएस्ट पावर इस पूरी इक्वेशन में आएगी वो हमारे पास आएगी n क्यूब. देयरफॉर इस पूरे जो फंक्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्स निकलेगी वो निकलेगी ऑर्डर ऑफ n क्यूब. आपको समझ आया होगा आई थिंक एन क्यूब क्यों आया, और यहाँ से हमने बाकी जो एन स्क्वायर वाले टर्म्स है और एन वाले टर्म है हमने उसको क्यों स्किप किया. तो इस पूरे फंक्शन को हम अगर बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करें तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो सीरीज के फॉर्मूलेज हैं, इस तरह की सीरीज के फॉर्मूलेज, वो आपको पता होने चाहिए. उसके अलावा हम इस पूरे फंक्शन को डिवाइड एंड कॉन्कर मास्टर्स फॉर्म आप लगाओ, डायरेक्टली यहाँ पर डिवाइड एंड कॉन्कर मास्टर्स फॉर्म एप्लीकेबल है, आप इसको लगाओ और इसका सॉल्यूशन आप यहाँ से भी निकाल सकते हो. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस लेने हैं, उससे पहले मैं जस्ट एक बार स्क्रीन को, उसको व्हाइट बोर्ड को रब कर लेता हूँ, उसके बाद आई जस्ट प्रेजेंट यू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, इस केस में हमें क्या गिवन है कि द फंक्शन इज लाइक दिस, लॉग आई विच इज समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n, कैन यू फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस. यानी कि उन्होंने जो सीरीज है वो ऑलरेडी गिवन है, आपको बस इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है. देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल लॉगरिथमिक के फॉर्मूलेज यहाँ पर लग जाएंगे और जिससे आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता सकते हैं. ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इट इज़ वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस. तो इस केस में क्या होगा हमारे पास, टेक आई इक्वल टू 1, तो दिस इज लॉग 1 प्लस, इसको एक्सपैंड कीजिए, इट इज लॉग 2, लॉग 1 प्लस लॉग 2 प्लस लॉग 3 अप टू सो ऑन प्लस लॉग n, इस तरीके से.
अब हमें log की एक प्रॉपर्टी पता है कि log अगर हम ऐसा करते हैं log x y that can be written as log x plus log y. तो यहाँ पर ये वही प्रॉपर्टी को पूछ रहा है कि क्या आपको ये प्रॉपर्टी पता है या नहीं. तो क्या होगा हमारे पास, दिस इज log 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 अप टू सो ऑन n. अगर आप इसको चेक करेंगे दिस कैन बी रिटन एज log n फैक्टोरियल, दैट इज log ऑफ n फैक्टोरियल. अब जनरली जो log ऑफ n, जहाँ पर भी आपके पास n फैक्टोरियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देखो जब मैंने आपको पहले बताया भी था कि जब मैं n फैक्टोरियल की बात करता हूँ, ऑर्डर ऑफ n फैक्टोरियल, एक्चुअली दिस इज वेरी इक्वलेंट टू सेइंग ऑर्डर ऑफ n रेज्ड टू पावर n. ऐसा क्यों? हमें हमेशा इसका अपर बाउंड देना है. अगर आप हर एक डिजिट को चेक करोगे, जितनी भी डिजिट्स हैं यहाँ पर, इस 1 से बड़ा हमेशा n होगा, 2 से बड़ा हमेशा n होगा, 3 से बड़ा हमेशा n होगा, अप टू सो ऑन n. अगर आप n को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग n रेज टू पावर n. इसी तरीके से हम एज्यूम करते हैं कि जब भी हमारे पास n फैक्टोरियल है, बिकॉज n फैक्टोरियल के इस तरीके से अगर आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कभी निकालेंगे तो n फैक्टोरियल का हमेशा अपर बाउंड, जो क्लोजेस्ट अपर बाउंड हम एज्यूम करते हैं, वो करते हैं n रेज टू पावर n, बिकॉज हर एक नंबर से बड़ा हमारे पास n रहेगा. तो log ऑफ n फैक्टोरियल जो है इसको हम लिखेंगे तो दिस विल बी log ऑफ n रेज टू पावर n. अगेन यहाँ पर एक n log की प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारे पास, यानी कि हम पावर को आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास n log n. तो इस पूरे फंक्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी वो है ऑर्डर ऑफ n log n. आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इजी है. अब इस वाली स्क्रीन पे जो सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इस लास्ट क्वेश्चन के लिए अगेन यहाँ पर डायरेक्टली जो मास्टर्स थ्योरम है वो एप्लीकेबल है, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मास्टर्स थ्योरम कैसे लगानी है, क्योंकि पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ. मैं बस आपको यहाँ पर ये बताऊँगा कि इस पूरे फंक्शन में जो हमारा रेकरेंस रिलेशन है वो किस तरीके से अप्लाई होता है, क्योंकि अगर आपको पता है कि इसका रेकरेंस रिलेशन क्या है तो मास्टर्स थ्योरम लगाना तो एक चुटकी का काम है, आप उसको आराम से ईजिली लगा सकते हैं. अगर आप इस फंक्शन को चेक करेंगे तो वो फंक्शन क्या बोल रहा है कि टाइम टेकन टू परफॉर्म दिस फंक्शन ऑन एन आइटम्स, अगर एन की वैल्यू 1 है तो रिटर्न, यानी कि अगर इफ इट सेज इफ एन इज इक्वल टू 1, यानी कि इट इज रिटर्न, यानी कॉन्स्टेंट टाइम अगर एन इज इक्वल टू 1 है, तो यानी कि ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और कॉन्स्टेंट टाइम लेगी. और ये जो कॉन्स्टेंट टाइम है, कॉन्स्टेंट टाइम का मतलब है कि इसकी वैल्यू होगी ऑर्डर ऑफ 1, तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज ऑर्डर ऑफ 1. लेकिन अगर एन की वैल्यू 1 नहीं है तो उसी केस में ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, दैट इज फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस. और हर बार हम इस फंक्शन को दोबारा से कॉल करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो हम n की वैल्यू को पास करेंगे वो हम n बाय 3 पास करेंगे. तो जो फंक्शन है रिकर्सिव फंक्शन है, ये 3 बार कॉल हो रहा है बिकॉज ऑफ फॉर लूप. तो बिकॉज ऑफ दिस रिकर्सिव फंक्शन इट विल बी t ऑफ n बाय 3 प्लस t ऑफ n बाय 3 प्लस t ऑफ n बाय 3. मैंने तीन बार t ऑफ n बाय 3 क्यों लिखा, बिकॉज ऑफ दिस फॉर लूप. इस फॉर लूप में i इज लेस देन इक्वल टू 3, तो इस वजह से मैंने 3 बार n बाय 3 लिखा. तो ये हो जाएगा इन केस वेयर n इज ग्रेटर देन 1. तो इस पूरे फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 1 वेयर n इज इक्वल टू 1, और इट इज 3 इंटू t ऑफ n बाय 3 प्लस सम कॉन्स्टेंट टाइम वेयर n इज ग्रेटर देन 1. तो ये हमारे पास एक कॉन्स्टेंट टाइम लेगा प्लस n ग्रेटर देन 1. तो अब आपके पास एक रिकर्सिव रिलेशन यहाँ पर आ चुका है. आपके पास ये रिकर्सिव रिलेशन को मास्टर थ्योरम इस पर लगाओ और मास्टर थ्योरम से आप इसके डायरेक्टली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हो. उसके अलावा इस रिकर्सिव रिलेशन पर अगर आप बैक सब्स्टिट्यूशन भी लगाओगे तब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान रहेगा. अभी हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसके अलावा मैं कुछ और क्वेश्चन अभी बोर्ड पर लिखता हूँ और उसके बाद हम दोबारा से उनको डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन लिए हैं. तो मोस्टली इन सभी क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि रिकर्सिव जो रिलेशन है वो कैसे बनाना है, ताकि आप उसको अपने टेक्निक से, चाहे आप मास्टर्स थ्योरम लगाए चाहे आप बैक सब्स्टिट्यूशन लगाए, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन इन क्वेश्चंस के बाद मैं आपको कुछ एक दो टेक्निक्स और बताऊंगा, जैसे कि हमारे पास है रिकर्सिव ट्री मेथड. तो रिकर्सिव ट्री मेथड से किस तरीके से हम सॉल्यूशंस निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और लूंगा, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और लूंगा जहाँ पर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेरियस फंक्शंस. तो जो पहला केस है हमारे पास यहाँ पर है फंक्शन इंट एन, इफ एन इज लेस देन इक्वल टू 1 द रिटर्न
फॉर आई इक्वल टू वन आई लेस देन थ्री आई प्लस प्लस, और हमारे पास इस फंक्शन में हमने रिकर्सिव कॉल किए और जहाँ पर हम एन माइनस वन को पास कर रहे हैं। अगर आप इस फंक्शन के अंदर चेक करेंगे तो टाइम टेकन टू परफॉर्म दिस फंक्शन एन आइटम्स विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम वन इफ इफ एन इज लेस देन इक्वल टू वन, अदरवाइज इट विल टेक दिस इट विल एग्जीक्यूट दिस फंक्शन थ्री टाइम्स, अदरवाइज इट विल एग्जीक्यूट थ्री इंटू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस सम कॉन्स्टेंट टाइम इफ एन इज ग्रेटर देन वन। तब आपके पास एक रिकर्सिव रिलेशन आ गया है, अब आप इसको सिर्फ मास्टर थ्योरम लगाइए, डिवाइड एंड कॉन्कर मास्टर थ्योरम लगाइए और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर या सब्ट्रैक्ट एंड कॉन्कर, व्हाटएवर यू वांट टू एग्जीक्यूट। सेकंड केस में हमारे पास टाइम टेकन टू परफॉर्म दिस फंक्शन ऑन एन आइटम्स विल बी इक्वल टू वन इफ एन इज लेस देन इक्वल टू वन, यानी कि हम पहली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज ये जो फॉर लूप है ये लूप एन टाइम्स चल रहा है, लेकिन इस लूप के अंदर हम सिर्फ प्रिंट एफ कर रहे हैं, इसके अंदर ये फन फंक्शन जो है रिकर्सिव कॉल है वो इस फॉर लूप के अंदर नहीं है, अदरवाइज ये जो फॉर लूप है वो एन टाइम्स रन होगा प्लस ये जो फंक्शन है हमारे पास फन 0.8n, यानी कि हम इसी फंक्शन को कॉल करेंगे लेकिन n की जो वैल्यू पास करेंगे वो होगी हमारे पास 0.8 या फिर कहो 8 डिवाइड बाय 10 अदरवाइज, जिसमें कह सकते हैं इफ n इज ग्रेटर देन 1। तो ये हो गया हमारा सेकेंड केस। अब ये जो हमारा थर्ड केस है इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, टाइम टेकन टू परफॉर्म दिस फंक्शन ऑन एन आइटम्स विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम वन इफ एन इज लेस देन इक्वल टू टू, यानी कि अगर एन की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू टू है तो हमें कॉन्स्टेंट टाइम वन लगेगा, अदरवाइज हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे जो कि बोल रहे हैं अप्लाई द सेम फंक्शन दैट इज टी एन ऑन स्क्वायर रूट ऑफ एन विच इज अंडर रूट ऑफ एन, अगर यहाँ पर एन पास करें तो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ एन आ जाएगा, प्लस सम कॉन्स्टेंट टाइम टू परफॉर्म दिस एडिशन और व्हाटएवर द कंप्यूटेशन इज, सो ये हो जाएगा व्हेन एन इज ग्रेटर देन टू। अब आपको यहाँ पर ऑलरेडी पता है, यहाँ पर आप क्लियरली इस पर हम डिवाइड एंड कॉन्कर मास्टर थ्योरम यहाँ लगा सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या होगा टी एन इज इक्वल टू टी ऑफ अंडर रूट ऑफ एन, दिस इज अंडर रूट ऑफ एन प्लस सी। अब यहाँ नेक्स्ट केस देखिए, इस नेक्स्ट केस में क्या है हमारे पास, टाइम टेकन टू परफॉर्म दिस फंक्शन ऑन एन आइटम्स, अगर एन की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू टू है तो हम कौन सा टाइम एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि इट इज कॉन्स्टेंट टाइम सी और यू कैन से ऑर्डर ऑफ वन इफ एन इज लेस देन और इक्वल टू टू, अदरवाइज हम इस फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। देखो यहाँ पर एक रिकर्सिव कॉल हो रही है और रिकर्सिव कॉल कितनी बार हो रही है, ये हो रही है हमारे पास 8 टाइम्स, क्लियरली यू कैन सी फॉर आई इक्वल टू 1 to 8 we are going to call this recursive function, तो क्या हो जाएगा time taken to perform n by 2 and because we are repeating it 8 times so it is 8 into n by 2 plus, अब यहाँ पर हमने इस लूप को एग्जीक्यूट किया n cube times plus यहाँ पर आएगा हमारे पास n cube और ये किस केस में, if n is greater than 2, तो आपको पता है कि अगर ये वाला केस होगा तो हम इसको अप्लाई करेंगे और इसमें आप टाइम कॉम्प्लेक्स निकाल सकते हैं। अब ये जो नेक्स्ट केस है यहाँ पर, अब आप इसको देखिए, ये बोल रहा है टाइम टेकन टू परफॉर्म दिस फंक्शन ऑन एन आइटम्स विल बी इक्वल टू, पहला केस अगेन इफ एन इज लेस देन इक्वल टू वन तो कॉन्स्टेंट टाइम वन इफ एन इज लेस देन और इक्वल टू वन, अदरवाइज हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे इफ एन इज ग्रेटर देन वन तो कॉन्स्टेंट टाइम टू परफॉर्म दिस प्रिंट एफ प्लस, अब यहाँ पर दो बार आप इसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं दैट इज फन ऑफ एन बाई टू फन ऑफ एन बाई टू, दैट इज टाइम टेकन टू परफॉर्म ऑन एन बाई टू प्लस टाइम टेकन टू परफॉर्म ऑन एन बाई टू विच इज ऑन एन ग्रेटर देन वन, आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा टू इंटू टाइम टेकन टू परफॉर्म ऑन एन बाई टू, तब आप क्लियरली इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप डायरेक्टली मास्टर्स थ्योरम लगाएंगे और इसका सोल्यूशन निकल सकता है। जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिए यहाँ पर, ये बहुत ही ईजी एग्जाम्पल थे, सिर्फ एक एम यही था कि आपको ये पता चलना चाहिए कि जो रिकर्सिव रिलेशन है टाइम टेकन वाला ये आप कैसे बनाएंगे रिकरेंस रिलेशन। अगर आपको ये रेकरेंस रिलेशन पता है टाइम टेकन वाला तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब एक दो एग्जांपल्स मैं कुछ और लेता हूँ जहाँ पर वी विल सी सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उससे पहले मैं आपको एक और सॉल्यूशन एक और टेक्निक बताता हूँ जिसको बोलते हैं रिकर्सिव ट्री मेथड। ओके, अब इस केस में हम लोग चेक करेंगे हाउ टू फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाई यूजिंग द रिकरेंस ट्री मेथड और रिकर्सिव ट्री मेथड। अभी जो रेकरेंस ट्री मेथड है कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जहाँ पर आप मास्टर्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते
और उसके अलावा अगर आप मास्टर्स थ्योरम के अलावा अगर आप रिकर्स जो हमारे पास सब स्ट्रक्चर वाली प्रॉब्लम है यानी कि बैक सब्स्टिट्यूशन वाली प्रॉब्लम है उस केस से भी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है बहुत ही ज़्यादा टिपिकल बन जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पर जो रिलेशन हमें गिवन है वो है टी एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन बाई टू प्लस टी ऑफ टू एन बाई थ्री प्लस एन स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए इस तरह का जो रिकरेंस रिलेशन है वो हमें फिबोनाची सीरीज के लिए भी मिलेगा। अगर फिबोनाची सीरीज के लिए आप बात करते हैं तो टाइम टेकन टू फाइंड द फिबोनाची ऑफ नंबर एन विल बी इक्वल टू टाइम टेकन टू फाइंड द फिबोनाची ऑफ नंबर विच इज एन माइनस वन प्लस टाइम टेकन टू फाइंड द फिबोनाची ऑफ नंबर विच इज एन माइनस टू प्लस कॉन्स्टेंट टाइम टू परफॉर्म दिस एडिशन। तो फिबोनाची ऑफ सीरीज के लिए भी आप इस तरीके का एक रिकरेंस रिलेशन बना सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर आपके जो रिकरेंस रिलेशन है वो उसमें प्लस वाली टर्म्स आ सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास टी ऑफ एन बाई टू है प्लस टी ऑफ टू एन बाई थ्री है। इस केस में आप मास्टर्स थ्योरम नहीं लगा पाएंगे और मास्टर्स थ्योरम आप जो है वो इस केस के लिए वैलिड नहीं है। तो या तो इसको सॉल्व करने के लिए आप रिकरेंस रिलेशन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से रिकरेंस रिलेशन आप पढ़िए या फिर आप अगर आपको रिकर्सिव ट्री यानी कि रिकरेंस ट्री वाला ये मेथड अगर आपको आता है तो इसको सॉल्व करना उतना ही आसान हो जाएगा। तो रिकरेंस ट्री वाला मेथड क्या बोलता है, देखो इजी है, समझना इजी है, करना भी इजी है, बस उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखो हमारे पास टी एन पहली प्रॉब्लम है। अब इस टी एन प्रॉब्लम को हम दो सब प्रॉब्लम्स में ऐड कर तोड़ रहे हैं और एक हमारे पास एन स्क्वायर वहाँ पर आ जाता है। तो इसको हमने एक सब प्रॉब्लम में यहाँ पर ब्रेक किया विच इज टी ऑफ एन बाय टू प्लस दूसरी सब प्रॉब्लम में हमने ब्रेक किया विच इज टी ऑफ टू एन बाय थ्री प्लस हमारे पास आया यहाँ पर एन स्क्वायर। अब ये जो एन स्क्वायर है दिस इज डिनोटिंग द वर्क डन। बेसिकली जो हमें करना क्या है कि हम चेक करेंगे ट्री के अंदर कि इसमें कितने लेवल्स होंगे और एक हर एक लेवल पर हम कितना वर्क डन कर रहे हैं। अब फर्दर आप टी ऑफ एन बाय टू को आप फर्दर ब्रेक करेंगे तो इसके ऊपर रिकर्सिव कॉल दोबारा से होगी। तो ये जो ट्री ऑफ एन बाय टू है ये ब्रेक होगा हमारे पास टी ऑफ एन बाय टू इंटू वन बाय टू प्लस नेक्स्ट टाइम इसकी बनेगी टी ऑफ एन बाय टू इंटू टू बाय थ्री प्लस एन बाय टू का होल स्क्वायर। उसी तरीके से इसको आप ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास वर्क बनेगा टी ऑफ टू एन बाय थ्री इंटू वन बाय टू यानी कि वही एन बाय टू हमें करना है यहाँ पर प्लस इसको फिर से ब्रेक करेंगे टी ऑफ टू एन बाय थ्री इंटू टू बाय थ्री प्लस अब इसकी जो तीसरा जो हमारे पास एक वर्क डन आएगा वो आएगा हमारे पास टू एन बाय थ्री का होल स्क्वायर। अब फर्दर इसको ब्रेक करेंगे हम फिर इसको ब्रेक करेंगे हम फिर इसको ब्रेक करेंगे फिर इसको ब्रेक करेंगे। तो इस तरीके से हम इसकी हर एक जो ब्रांचेज हैं इन सबको इस तरीके से ब्रेक करते चले जाएंगे। जब इनको ऐसे ब्रेक करेंगे तो अब आपको ये निकालना है, सबसे पहले चीज़ आपको ये निकालनी है कि इस पूरे ट्री के अंदर इस तरीके से कितने लेवल्स होंगे। जैसे कि ये हमारे पास एक लेवल है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग वन लेवल, एज्यूमिंग इट ये हमारा लेवल वन है, ये हमारा लेवल ज़ीरो है, ठीक है। उस तरीके से ये जो पूरा है ये हमारे पास लेवल टू रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग लेवल टू, लेवल टू। उस तरीके से फर्दर आप इसको अगर ब्रेक करेंगे जैसे कि टी ऑफ ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये टी ऑफ एन बाय टू स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है, अब इसको फर्दर ब्रेक करेंगे तो ब्रेक होगा हमारे पास टी ऑफ एन बाय टू क्यूब प्लस टी ऑफ एन बाय टू स्क्वायर इंटू टू बाय थ्री प्लस टी ऑफ प्लस एन बाय टू स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। फर्दर आप इसको ऐसे ब्रेक करते चले जाएंगे तो हर एक स्टेटमेंट को आप ऐसे ब्रेक करते चले जाएंगे। अब हमारा एम ये नहीं है कि हमें पूरे ट्री को बनाना है यानी कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरे ट्री को बनाना है। अब इस पूरे ट्री में हमें बेसिकली पैटर्न को फाइंड आउट करना है कि अगर ये चीज़ें एक्सटेंड होगी तो कहाँ तक एक्सटेंड होगी, एट मैक्सिमम किस लेवल तक एक्सटेंड होगी, और जब भी एक्सटेंड हो रही है तो हर एक लेवल पर हम कितना काम कर रहे हैं, टोटल वर्क डन हमारे पास कितना हो रहा है। जैसे कि इस पूरे लेवल पर कितना वर्क डन हो रहा है एन स्क्वायर, इस पूरे लेवल पर कितना वर्क डन हो रहा है। उसी तरीके से जो नेक्स्ट लेवल आएगा उसमें कितना वर्क डन होगा, जो नेक्स्ट लेवल आएगा उसमें कितना वर्क डन होगा। जब आपको ये पता चल जाएगा कि हर एक लेवल पे कितना वर्क डन है, इस पर कितना वर्क डन है, इस पर कितना वर्क डन है, नेक्स्ट लेवल पर कितना वर्क डन है, जब आपको ये पता चल जाएगा कि हर एक लेवल पर कितना वर्क डन है प्लस आप
ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल कितने लेवल बनेंगे, तो आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फर्दर निकाल सकते हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसका एक मेथड है जो हम यहाँ पर रिकर्सिव ट्री मेथड जो है हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। अब देखो जो हमारे पास लेवल वन है, तो लेवल वन पे टोटल वर्कडन कितना हो रहा है। वर्कडन जो है बेसिकली हम हर एक लेवल पे एक एन स्क्वायर वर्कडन कर रहे हैं। एन स्क्वायर का मतलब क्या है, देखो अगर ये वाला जो हमारी टर्म है, देखो पहले लेवल पे हमारे पास एन था, तो एक्चुअली इसको हम कहेंगे इस एन स्क्वायर को मैंने यहाँ पर ऐड किया है, लेकिन हम इसको बेसिकली यहाँ पर ऐड नहीं करते, ये एक रिप्रेजेंटेशन पर्पजेज से आपसे मैंने ऐड किया है। तो अगर आप चेक करोगे कि अगर एन आइटम था तो उस पर हमने एन स्क्वायर वर्कडन किया, यानी कि यहाँ पर एन आइटम पर हमने एन स्क्वायर वर्कडन किया, ठीक है। लेकिन जब आप सोचेंगे टी ऑफ एन बाई टू आइटम्स पर कितना वर्कडन करेंगे, अगर एन के ऊपर एन स्क्वायर किया तो टी ऑफ एन बाई टू पर कितना वर्कडन करेंगे, इस पर वर्कडन होगा हमारे पास एन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस। इसी तरीके से टी ऑफ टू एन बाई थ्री पर कितना वर्कडन होगा, ये होगा हमारे पास टू एन बाई थ्री का होल स्क्वायर। समझो मेरी बात फिर से, आपके पास एन आइटम्स थे तो एन आइटम्स को हमने दो हिस्सों में ब्रेक किया प्लस इन एन आइटम्स पर हमने एन स्क्वायर वर्कडन किया। उसी तरीके से टी ऑफ एन बाई टू आइटम्स है, इनको हम लोग इन दो आइटम्स पर ब्रेक करेंगे, लेकिन इस पर वर्कडन कितना होगा हमारे पास एन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस इस पर वर्कडन कितना होगा टू एन बाई थ्री का होल स्क्वायर, और इसको हमने दो आइटम्स में ऐसे ब्रेक किया। उसी तरीके से जब आप इस लेवल टू को फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे, तो लेवल टू पर हम इस पर वर्कडन करेंगे कितना एन बाई टू स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस पर वर्कडन करेंगे कितना, इस पर वर्कडन आएगा हमारे पास एन बाई थ्री, आई थिंक इट विल बी एन बाई थ्री का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। फिर आप इस पर वर्कडन करेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास एन बाई थ्री का होल स्क्वायर वर्कडन आएगा, इस पर वर्कडन करेंगे तो यहाँ पर भी आएगा आपके पास फोर एन बाई नाइन का होल स्क्वायर वर्कडन आएगा। तो बेसिकली हम हर एक लेवल पर वर्कडन को निकाल रहे हैं। अब ध्यान दो, ये जो लेवल है इस पर वर्कडन कितना होगा, देखो इस वाली इक्वेशन पर, इस वाले टर्म पे वर्कडन कितना होगा, देखो एन पर हमारे पास एन स्क्वायर है और ये कितना हमारे पास एन बाई फोर, ये कितना हमारे पास एन बाई फोर, तो ये हो जाएगा हमारे पास एन बाई टू स्क्वायर पर जो वर्कडन है वो इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से ये क्या हमारे पास एन से एन, टू से टू कैंसिल, तो होगा टी ऑफ एन बाई थ्री, तो टी ऑफ एन बाई थ्री पर वर्कडन कितना होगा प्लस दैट इज एन बाई थ्री का होल स्क्वायर प्लस। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बना टी ऑफ एन बाई थ्री, तो टी ऑफ एन बाई थ्री पर वर्कडन कितना होगा एन बाई थ्री का होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर क्या बना हमारे पास 2 स्क्वायर बाई थ्री स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर बाई थ्री स्क्वायर एन का होल स्क्वायर। तो उस तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हो कि इसका वर्कडन कितना होगा। फिर उसी तरीके से आप जो नेक्स्ट लेवल है लेवल 3, आप उसका वर्कडन निकालो। अब देखो वर्कडन टोटल यहाँ पर कितना आ रहा है, एक बार इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो, समझो कि इसमें वर्कडन कितना आ रहा है। आप इन ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो बनेगा हमारे पास एन स्क्वायर बाय टू स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा टू स्क्वायर एन स्क्वायर बाय थ्री स्क्वायर, तो ये बना हमारे पास फोर और ये बना हमारे पास नाइन। फोर और नाइन का जो हमारे पास एलसीएम आता है वो आएगा हमारे पास 36, ठीक है। तो ये जो टर्म है ये किससे मल्टीप्लाई होगी, देखो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं एन स्क्वायर अपॉन फोर प्लस ये टर्म आएगी हमारे पास टू स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन नाइन, तो ये टर्म बन जाएगी हमारे पास नाइन एन स्क्वायर प्लस ये जो टर्म है ये टर्म हमारे पास बन जाएगी टू रेस्ट पावर फोर एन स्क्वायर, जिसको आप चेक करोगे नाइन एन टू पावर फोर का मतलब क्या होता है हमारे पास 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 एन स्क्वायर अपॉन 36, यानी कि इस पूरे लेवल पर जो वर्कडन है वो 25 एन स्क्वायर अपॉन 36 हुआ है। उसी तरीके से इस पूरे लेवल पर, यानी कि लेवल टू पर टोटल वर्कडन कितना हुआ है, आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करो, इसको ओपन करो और चेक करो। तो ये हमारे पास है हमारे पास एन स्क्वायर अपॉन फोर दैट इज टू स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर दैट इज टू रेस पावर फोर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर अपॉन थ्री स्क्वायर, तो हम उसको टू इस तरीके से भी लिख सकते हैं प्लस नेक्स्ट है हमारे पास टू स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन थ्री स्क्वायर। अब इस पूरे केस में अगेन आप एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, देखो ये टू पर फोर है यानी कि ये होगा हमारे पास 16, ये होगा हमारे पास 9 और ये भी होगा हमारे पास 9, तो 16 9 9 इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम आप निकालिए। तो मैं एक चेक कर लेता हूँ, आई थिंक मैंने ऑलरेडी इसको कैलकुलेट किया हुआ है, तो यहाँ पर आएगा जो एलसीएम के साथ हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 1296
96, ऊपर आएगा 625 एन स्क्वायर, जिसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 25/36 का होल स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। अब फर्दर जो लेवल थ्री का वर्कडाउन आप कैलकुलेट करेंगे तो लेवल थ्री का वर्कडाउन आएगा आपके पास 25/36 रेज टू पावर 3 एन स्क्वायर। उसी तरीके से आप kth टर्म तक एक्सटेंड करेंगे तो आपके पास आएगा 25/36 रेज टू पावर k इंटू एन स्क्वायर। जब आपने पूरे ट्री को इस टर्म तक एक्सटेंड किया, तो ट्री की हाइट कैसे निकलेगी? ये ट्री तब एलिमिनेट होगा जब हमारे पास जो ये वैल्यू है 25/3 रेज टू पावर k, ये आपके 1/n² के इक्वल हो, यानी कि ये ट्री तब एलिमिनेट होगा, ये ट्री तब टर्मिनेट होगा इफ 25/36 रेज टू पावर k इज इक्वल टू 1/n². उस केस में आप चेक कर सकते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, सो इट विल बी log of 25/36, k into log of 25/36, it can be written as log of 1/n². तो log of इसी का बेस भी ले सकते हैं, तो k आ जाएगा हमारे पास k is equal to log of 1/n². तो यानी कि ये जो ट्री है इसकी जो हाइट है वो इस लेवल तक 1/n² तक, ये ट्री की जो हाइट है वो 1/n² तक रहेगी, क्योंकि तब तक इतने लेवल्स आपके पास हो चुके होंगे। अब आपको क्लियरली पता है कि ट्री की जो हाइट है वो कहाँ तक होगी, और आपको हर एक लेवल का वर्क डन भी आपको ऑलरेडी पता है। तो अब सिंपल करना क्या है आपको, अब आप इनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसके आपका सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन है वो अगर मैं इसमें बोलता हूँ कि हमारे पास 25/36 जो है हमने इसको अल्फ़ा ले लिया, तो अल्फ़ा भी लो बेसिकली, अगर आप बेसिकली करना ये है हमें कि हमें हर एक लेवल का जो वर्क डन है इन सबको ऐड करना है, ये पहले लेवल का, ये दूसरे लेवल का, ये तीसरे लेवल का, अप टू सो ऑन, ये kth लेवल का। तो टोटल वर्क डन है हमारे पास कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 25/36 एन स्क्वायर प्लस 25/36 का होल स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस 25/36 का होल क्यूब एन स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन 25/36 होल रेज्ड पावर k इंटू एन स्क्वायर। इस पूरे टर्म में से यू कैन टेक एन स्क्वायर एज कॉमन, तो अंदर बचेगा हमारे पास 25/36 प्लस 25/36 का होल स्क्वायर प्लस 25/36 का होल क्यूब प्लस अप टू सो ऑन 25/36 होल रेज टू पावर के। अब इस पे आप फॉर्मूला लगा लीजिए, जो हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो जहाँ पर कॉमन रेशियो 25/36 है तो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आप फॉर्मूला लगा लीजिए और उससे आप इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करके आया, देखो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो वैल्यू है वो 25/36 जो कॉमन रेशियो है वो 1 से कम है, तो 1 से कम है तो इसको आप इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, हमारे पास 1 r raised to power n / 1 r। तो ये वाला जो फॉर्मूला हमारे पास लगता है वो फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो जब आप इस पूरे रिलेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, देखो ये जो पूरी टर्म है ये आपके पास हमेशा छोटी से छोटी होती चली जाएगी। आप इसका फॉर्मूला नहीं भी जानते तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जो पूरी जो टर्म है देखो, ये 1 से छोटा है, ये उसका स्क्वायर है, ये उसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, तो 25/36 जो पूरी जो टर्म है ना, इसका सॉल्यूशन आप एडिशन कितना भी हो तो इसका एडिशन कभी 1 से क्रॉस नहीं करेगा। तो जब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्स निकालेंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्स आएगी यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इस पूरी टर्म का जो सॉल्यूशन है, जो एडिशन है, वो कभी भी एन स्क्वायर 1 से बड़ा नहीं होगा, तो इसको कह सकते हैं एन स्क्वायर इंटू 1। तो पूरे जो फंक्शन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आएगी। इवन दो आपको समझ में नहीं आया, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, देखो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। काफ़ी बच्चे हैं मुझे लगता है जो जिनके थोड़ा सा मैथमेटिक्स वीक है, जिनको मैथमेटिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो उसको शायद ये समझ में नहीं आया होगा। और क्लासरूम में ऐसा होता है कि 60-70% जो बच्चे हैं उनको चीज़ें समझ में नहीं आती, तो मुझे बार बार रिपीट करना ही करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे, देखो आपके एक रिकरेंस रिलेशन गिवन है tn इज इक्वल टू टी ऑफ एन बाई टू प्लस टी ऑफ 2n/3 प्लस एन स्क्वायर। तो ये बता रहा है कि tn में आपने इतना वर्क डन किया और इतना आपके पास आपने ब्रेकेज किया, यानी कि इतने सब प्रॉब्लम्स को बनाया। तो tn के केस में हमने एन स्क्वायर वर्क डन किया, फिर जब हमने इस सब प्रॉब्लम को उठाया तो इस सब प्रॉब्लम में हमने इसको दो सब प्रॉब्लम से ब्रेक किया लेकिन इतना वर्क डन किया, इस वाली सब प्रॉब्लम में हमने इसको दो सब प्रॉब्लम ब्रेक किया लेकिन इतना वर्क डन किया। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया इस लेवल पे, n/2 का होल स्क्वायर और इस केस में 2n/3 का होल स्क्वायर।
उसी तरीके से जब आप इन प्रॉब्लम्स को ब्रेक करेंगे, जैसे इस प्रॉब्लम को आपने ब्रेक किया, तो इसको हमने दो प्रॉब्लम्स में ब्रेक किया, लेकिन इस प्रॉब्लम के ऊपर हमने इतना वर्क डन किया। उसी तरीके से इस प्रॉब्लम को हमने दो प्रॉब्लम से ब्रेक किया, लेकिन उसके ऊपर कुछ वर्क डन हमने किया। उसी तरीके से इसको हमने दो सब प्रॉब्लम ब्रेक किया प्लस इसका वर्क डन किया, प्लस इसको दो सब प्रॉब्लम ब्रेक किया प्लस उसका वर्क डन किया। तो इस पूरे केस में हमने कितना वर्क डन किया, इसको ऐड करो प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको सबको ऐड किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी। तो यानी कि लेवल टू पे इन टोटल हमने वर्क डन कितना किया, वो बना हमारे पास 25/36 का होल स्क्वायर एन स्क्वायर। तो ये टोटल आपका वर्क डन था। इस वर्क डन के बाद फिर आप चेक करो लेवल थ्री पर कितना वर्क डन किया, फिर लेवल फोर पर कितना वर्क डन किया, तो आपको पता चलेगा कि देयर सम काइंड ऑफ पैटर्न। और अब आपका जो भी पैटर्न आ रहा है, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप टोटल वर्क डन को आप ऐड कीजिए इस तरीके से। जब आप इस टोटल वर्क डन को ऐड करेंगे, तो पूरे वर्क डन में से आप एन स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, आपके पास कॉमन रेशियो बचेगा जो 25/36, दूसरा है 25/36 का होल स्क्वायर, 25/36 का होल क्यूब, अप टू सो ऑन 25/36 रेज टू पावर के। अब ये जो टर्म्स है, ये जो टर्म्स हैं, हर एक टर्म वन से छोटी है। बिकॉज हर एक टर्म वन से छोटी है, तो इस केस में क्या होगा, ये वन से छोटा है, ये उससे भी छोटा रहेगा, ये उससे भी छोटा रहेगा, ये उससे भी छोटा रहेगा। जब इन सभी टर्म्स को ऐड करोगे, इनका मैक्सिमम जो सम है वो कभी वन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, मैक्सिमम सम इसके वन के इक्वल ही रहेगा। अगर वो भी नहीं है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला आप लगा लीजिए, वेयर के इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये फॉर्मूला क्या होगा, 1 r^k + 1/1 - 25/36। तो r क्या है यहाँ पर, 25/36, और जब k इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/1। तो 1/1 सम कॉन्स्टेंट नंबर हमारे पास आएगी, तो आप उसको चेक कर सकते हो कि जब हम इस एन स्क्वायर के साथ उस कॉन्स्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो पूरा सॉल्यूशन है, जो पूरा सम है आपके पास, ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ही हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा। तो इस तरह के जो सॉल्यूशंस है, इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स इंटेंसिव ये सॉल्यूशंस हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप खुद से इस सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया कि ये सॉल्यूशन कैसे निकाला और कैसे किया, जस्ट डू वन थिंग, इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करो, अपनी आँखें बंद करो, और फिर थोड़ा सा माइंड को रिमाइंड करो कि मैंने क्या क्या किया। फिर वीडियो को प्ले करने से पहले अपनी नोटबुक को उठाओ, वहाँ पर ये प्रॉब्लम लिखो और उसको अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो। दिमाग लगाओ, सोचो कि हमने क्या किया, क्या कर रहे हैं हम लोग। बार बार जितना सोचोगे, देखो एग्जामिनेशन का जो दिन है, जो डे ऑफ एग्जामिनेशन है, अगर मैं यूजीनेट की बात करूँगा, तो हमारा 2 December से लेकर 16 December तक है, और जो गेट की बात करूँगा, वो हमारा फेब्रवरी में एग्जामिनेशन है। एग्ज़ाम के दिन, जिस समय पर अपने एग्ज़ाम में आप बैठे हो, उस समय पर आपके पास टाइम नहीं है, उस समय पर आपको परफॉर्म करना है, लेकिन उस एग्जैक्ट दिन से एक दिन पहले भी आपके पास टाइम है। अगर एक क्वेश्चन को समझने में, एक प्रॉब्लम को समझने में आपका पूरा दिन भी लग जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एक तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए आज का पूरा दिन लगाते हो, तो एग्ज़ाम आपका 180 डेज़ के बाद है, तो हर दिन आप एक एक प्रॉब्लम को भी करोगे, तो 180 प्रॉब्लम्स आप कर लोगे, और उस तरह की किसी भी प्रॉब्लम की, इस तरह की प्रॉब्लम में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन आ जाए, आप उसको एग्ज़ाम में सॉल्व कर दोगे। डजंट मैटर क्वेश्चन आपसे आधे घंटे में सॉल्व हो, डजंट मैटर क्वेश्चन आपसे 20 मिनट्स में सॉल्व हो, डजंट मैटर आप इस समय पर आप किसी प्रॉब्लम को पूरे दिन के अंदर सॉल्व कर रहे हो। इस समय पर आप पूरा दिन लगाओ एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। जितना टाइम आपको लगाना है आप लगाओ। बच्चे घबरा जाते हैं कि सर मैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते करते मुझे 1 घंटा लगा, और 1 घंटा मैंने कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा, मैं इतना डिप्रेस हो गया कि मैंने उसके बाद पढ़ा ही नहीं। सबसे आसान चीज़, जो सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, वो ये है कि इस समय पर कितना भी टाइम लगे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कितना भी टाइम लगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एक क्वेश्चन को समझने में पूरा दिन भी लगता है, पूरा हफ्ता भी लगता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने उस प्रॉब्लम से बस कुछ नया सीखो। अगर आप किसी प्रॉब्लम से, किसी क्वेश्चन से आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने आज का दिन कंस्ट्रक्टिवली स्पेंड किया है। आज पूरे दिन में आप 1000 क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन आपने कुछ नया नहीं सीखा, तो उसका मतलब है कि आपने कुछ नहीं किया। वर्क डन इज निल, वर्क डन इज जीरो। लेकिन आज पूरे दिन में आपने सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेकिन उस एक क्वेश्चन से एक नई चीज़ आपने सीखी, तो यानी कि आपने पूरे दिन को सक्सेसफुल बना दिया, पूरे दिन को अच्छा कर दिया। लाइफ में कभी भी जब आप आगे जाएंगे, कभी भी जब आप मूव करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, तो अपने दिन को, जो प्रोडक्टिविटी है दिन की, वो इस चीज़ से मत चेक करो कि आपने कितना क्वांटिटी में वर्क कर दिया। हमेशा दिन की प्रोडक्टिविटी इस चीज़ से चेक करो कि आज आपने क्या कुछ नया सीखा। अगर आपने आज कुछ नया सीखा,
तो वो जो कल आज जो आपने नया सीखा, तो कंपाउंडेडली अगर हर दिन कुछ ऐसा नया सीखते चले जाओगे तो लाइफ में आप हमेशा सक्सेसफुल ज़रूर होंगे और सक्सेस आपके पीछे पीछे ज़रूर आएगी। लेकिन अगर आप किसी दिन को, आपने गधों की तरह काम तो किया लेकिन आपने उस दिन के अंदर कुछ नया नहीं सीखा, तो यानी कि आपका जो दिन है वो बिल्कुल बर्बाद गया और आपने उसको बिल्कुल वेस्ट कर दिया। योर डे इज़ कम्प्लीटली वेस्टेड इफ़ यू हैव नॉट लर्नड अ सिंगल न्यू थिंग इन अ डे। चाहे आप 5 मिनट लगा के पर दिन में कुछ नया सीख लो, वो काफ़ी है आपको पूरा दिन प्रोडक्टिव बनाने के लिए। लेकिन आपने पूरे दिन के अंदर 12 घंटे लगा के भी कुछ नया नहीं सीखा तो आपका दिन पूरा बर्बाद है। तो हमेशा जो अपने डे की वैल्यू है, जो अपने टाइम की वैल्यू है, जो अपने प्रोडक्टिविटी की वैल्यू है, वो इस चीज़ से मेजर करो कि आपने क्या कुछ नया सीखा और क्या कुछ नया नहीं सीखा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बाद मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, वो सिंपल एक ईजी क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस के लिए, तो उसके बाद शायद आपको थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, उसमें एक दो शॉर्टकट्स और होंगे तो आपको समझ में आएगा, तो और भी आसान होगा। ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ फिर मैं वापस आता हूँ। अब ये जो क्वेश्चन गिवन है ये है रैंक ऑफ द फॉलोइंग बाय ऑर्डर ऑफ देयर ग्रोथ, यानी कि इन सबको हमें उनकी ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग रैंक करना है। हमें कुछ फंक्शंस गिवन है, जैसे कि पहला है हमारे पास n+1 factorial, दूसरा है n factorial, तीसरा है 4n, चौथा है n(3^n), पाँचवा है 3^n +n² + 2n, 20n एंड सो ऑन। अब इस तरह के क्वेश्चन में एक्चुअली एग्जामिनेशन में स्टूडेंट ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास n factorial और n+1 factorial गिवन है। जब भी हम n factorial की बात करते हैं तो n factorial कैन बी रिटन एज ऑर्डर ऑफ n^n, तो ऑब्वियसली n+1 factorial जो है वो n factorial से बड़ा होगा। तो जब हम इनको ऑर्डर रेट ऑफ ग्रोथ से हम लिखेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ा है हमारे पास n+1 factorial, क्यों? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ n+1^n+1, इस तरीके से। इससे जो छोटा हमारे पास आएगा वो यहाँ पर गिवन है, वो है हमारे पास n factorial, क्योंकि हम इसको लिखते हैं ऑर्डर ऑफ n^n। अब नेक्स्ट हमारे पास है देखो 4^n और यहाँ पर n(3^n). जनरली अब इस समय पर हमारे पास कन्फ्यूजन है कि अगर हमारे पास 4^n दे दिया जाए और n(3^n) दे दिया जाए तो इनसे बड़ा कौन सा है। और दूसरी चीज़ क्या है कि n(3^n) और इस पूरी टर्म में से, इन दोनों में से सबसे बड़ी टर्म हमारे पास कौन सी गिवन है। अब अगर इन दोनों में कन्फ्यूजन है तो कन्फ्यूजन को रिजॉल्व कैसे करेंगे सर? सबसे आसान तरीका है टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो आप इसको लॉग लेंगे तो बन जाएगा हमारे पास n log 4, इस तरफ लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास लॉग ऑफ n(3^n), जिसको हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ n+n(log 3). अब इस टर्म में और इस टर्म में अगर आप चेक करेंगे, इन दोनों टर्म्स में सबसे बड़ी टर्म कौन सी है हमारे पास, ये वाली। तो अब यहाँ पर कह सकते हो कि जो हमारे पास n^4 जो n है वो हमारे पास n(3^n) से बड़ा है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे कि दोनों तरफ लॉग ले लीजिए और चेक कर लीजिए क्लियरली कि इस वाले टर्म में से और जो दूसरे वाले टर्म है इन दोनों में से सबसे बड़ी टर्म कौन सी है। तो हम यहाँ से क्लियरली बता सकते हैं दोनों में सबसे बड़ी टर्म कौन सी है। ऐसे ये एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि एग्जामिनेशन में काफ़ी बार आपका टाइम सेव करेगी और आपको ईजिली बताएगी कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। अब ये जो टर्म है हमारे पास, ये ऑब्वियसली इससे छोटी है, तो टर्म जो है हमारे पास इससे छोटी कौन सी है हमारे पास, वो है हमारे पास 3^n+n² + 20n। अब ध्यान दीजिए हमारे पास जो टर्म्स बची है वो बची है 4^n² (4^log n), (n²+200), (20n+500), (2^log n), 3/2n और हमारे पास n^2/3। तो इन सभी टर्म में यू विल गेट कन्फ्यूज्ड कि सर इनमें से सबसे बड़ी टर्म कौन सी है। तो एक्चुअली ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, दिस इज 3/2^n, आई जस्ट कन्फर्म। तो ये जो टर्म है दिस इज 3/2^n। तो अब कन्फ्यूजन है कि सर 3/2^n जो टर्म्स हमारे पास है, पहली हमारे पास 3/2^n, दूसरी टर्म है हमारे पास 4n², तीसरी टर्म है हमारे पास 4 log n, और नेक्स्ट टर्म है हमारे पास n² + 200, और जो यहाँ पर जो टर्म है हमारे पास ये हमारे पास है 2 log n। इन सब में सबसे बड़ी टर्म कौन सी है? तो आसान तरीका क्या है कि टेक लॉगरिथम्स। तो इस केस में आप लॉग लोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास n(log 3/2), इसमें लॉग लोगे तो बन जाएगा हमारे पास 2 log 4n, इसमें आप लॉगरिथम लोगे तो बन जाएगा log ऑफ
4 log n, और इसमें अगर आप log लोगे तो बन जाएगा 2 into log n plus log n, log 200 something, इस पे log लोगे तो बन जाएगा log n into log 2. तो आप क्लियरली देख सकते हो इस पूरी केसेस पे सबसे बड़ी टर्म हमारे पास ये है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास इससे जो छोटा जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बनेगा n into log of 3/2. ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पर हमारे पास 4n square है और यहाँ पर n square plus 200 है, तो इन दोनों को बेसिकली हम दोनों के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को सेम ही एज्यूम करेंगे. ठीक है, क्योंकि 4n square और n square plus 2 बोथ आर ऑर्डर ऑफ n square ओनली, करेक्ट. अब इसके बाद इन दोनों में से अगर आप चेक करोगे तो इसके जो कम जो यहाँ पर बिग ओ नोटेशन है रेट ऑफ ग्रोथ है वो हमारे पास होगा 4n square और साथ साथ में n square plus 200, पर आप फिर भी थोड़ा सा कह सकते हो कि हमारे पास जो n square plus 200 से बड़ा हमारे पास 4n square है. ठीक है, अब 4 raised to power log n और 2 raised to power log n और इन, अब हमें यहाँ पर जो कन्फ्यूजन है वो इसको लेकर है, 4 raised to power log n और 2 into n, 2 raised to power log n और हमारे पास है n raised to power 2/3. देखो n raised to power 2/3 जो है एक छोटी टर्म है, इसमें इसमें और इसमें, इन तीनों में अगर हमें कन्फ्यूजन है तो हम उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे. देखो जिसको समझ में नहीं आया वो अभी भी है, उसको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, जस्ट कीप फॉलोइंग विद मी. आई होप आपको ये समझ में आएगा, मेरी पूरी कोशिश है आपको समझाने की, अगर समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए. हमारे पास गिवन है 4 raised to power log n, दूसरी टर्म हमें गिवन है 2 raised to power log n और तीसरी टर्म हमें गिवन है जिसके बीच में कन्फ्यूजन है वो है 20n plus 500. इन तीनों में कन्फ्यूजन है, आसान तरीका है टेक log on everyone, तो इस पे log लोगे तो बन जाएगा हमारे पास log n into log 4, ये बन जाएगा हमारे पास log n into log 2, ये बन जाएगा हमारे पास log of 20n, ठीक है, प्लस log 500 आप इसको कह सकते हो, प्लस 500 आप इसको कह सकते हो. तो इस पूरे केस में सबसे बड़ी जो टर्म है हमारे पास कौन सी है, अब आपको ये बताना है इस पूरे केस में सबसे बड़ी टर्म कौन सी है हमारे पास. अगर आप ये बता सकते हो पूरे केस में सबसे बड़ी टर्म कौन सी है तो आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो. तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो जो सबसे बड़ी टर्म हमारे पास बन रही है वो बन रही है 4 इंटू लॉग इन, तो इससे जो छोटा होगा वो होगा हमारे पास 4 इंटू लॉग इन, इससे छोटा हमारे पास होगा 4 raised to power log n, उससे छोटा है हमारे पास 2 raised to power log n. अब उन दोनों से छोटा है हमारे पास 20n by, इससे छोटा आएगा हमारे पास 20n by plus 500, उससे छोटा हमारे पास n raised to power 2/3, बिकॉज ये जो पावर है वो n से भी छोटी है, और सबसे छोटा होगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ 1. तो इस तरीके से आप सभी को अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर. तो सबसे बड़ा n plus 1 factorial, उससे छोटा n factorial, उससे छोटा 4 raised to power n, उससे छोटा n into 3 raised to power n, उससे छोटा 3 raised to power n plus n square plus 20n, उससे छोटा हमारे पास रेट ऑफ ग्रोथ होगा n into log 3/2. एक्चुअली दिस इज नॉट n into log 3/2, इट इज़ एक्चुअली 3/2 raised to power n. उससे छोटा रेट ऑफ ग्रोथ होगा 4n square, उससे छोटा होगा n square plus 200. फिर होगा हमारे पास 4 raised to power log n, फिर होगा हमारे पास 2 raised to power log n, उससे छोटा रेट ऑफ ग्रोथ होगा 20n plus 500 और उससे छोटा होगा n raised to power 2/3 और सबसे छोटा जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो है ऑर्डर ऑफ 1 का. तो इस तरीके से यू कैन रैंक देम अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर. आई होप आपको ये समझ आया होगा. तो आज मैंने सिंपल इस वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस को लिया है, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है. अब आप ऐसा कीजिए, प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस लीजिए, प्रीवियस ईयर यूजीसेंट के क्वेश्चंस लीजिए, बार्क, डीआरडीओ, इसरो, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालने की कोशिश कीजिए. आई होप एंड आई कैन गारंटी अगर आपने मेरे जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो आपके कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे अटकेगा, आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर देंगे. अब जो बच्चों ने सब्सक्रिप्शन लिया है उनके साथ में इसी फोल्डर के अंदर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फोल्डर है, जो प्रीवियस ईयर हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस आए हैं गेट और यूजीसी नेट, उन बच्चों के सब्सक्रिप्शन के साथ मैं इसी फोल्डर के अंदर ही प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके सॉल्यूशन यहाँ पर ऐड कर दूंगा, जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी. सारे सॉल्यूशन ऑफ यूजीसी नेट, एवरी सॉल्यूशन ऑफ यूजीसी नेट प्लस एवरी सॉल्यूशन ऑफ गेट. तो ये जो हमने कॉन्सेप्ट वीडियोज़ पढ़े, हमने लगभग 5 वीडियोज़ ये कॉन्सेप्ट वीडियोज़ बनाए,
इन 5 वीडियोस के बाद आपको उसी फोल्डर में एक और फोल्डर मिलेगा विच इज़ द सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 10 ईयर्स इन गेट एंड लास्ट 10 ईयर्स इन यूजीसी नेट, उन सभी क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको इसी फोल्डर में मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो पहला सेक्शन था हमारा इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम में डिजाइन एनालिसिस में, वो था हमारे पास हाउ कैन यू एनालाइज एल्गोरिथम्स। And to analyze, we studied the time complexity and the space complexity. Now we'll start the next section here, that will be the searching and sorting algorithms. After that, we'll do greedy algorithms and the dynamic programming algorithms. I hope aapko samajh aaya hoga. Agar nahi aaya, to please comment section mein likhiye, and I can make one more video for you, for your understanding. Or I don't have any problems to repeat the concepts. I don't have any problem to solve your problems. I mean, your the problems and doubts that you are getting. Just send me your problems and doubts and I'll try to solve them as much as possible. Thank you so much for watching. Let's meet you in the next video.